नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। और सबसे पहले स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज वर्ल्ड रेडियो डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवंबर 2011 को यूनेस्को ने रेडियो के महत्व को समझते हुए 13 फरवरी का दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आकाशवाणी ने हमेशा से ही लोगों तक सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित समाचार और जानकारी पहुंचाई है। स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आकाशवाणी ने हर स्पोर्ट्स इवेंट्स को श्रोताओं तक पहुंचाया है। ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर बात हो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट्स की, हर खबर को हमने अपने श्रोताओं से साझा किया। आज के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मलय नीरव। मलय नीरव का स्पोर्ट्स में एक लंबा अनुभव रहा है और न सिर्फ स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बतौर एक्सपर्ट वो अपनी भूमिका निभाते हैं बल्कि आकाशवाणी से स्पोर्ट्स कमेंट्री भी करते रहे हैं। मलय, आपका स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद और हमारे श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मलय, बिल्कुल आज वर्ल्ड रेडियो डे के इस खास अवसर पर हम खेल सुर्खियों पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ ही स्पोर्ट्स को जन जन तक पहुंचाने और उसे लोकप्रिय बनाने में रेडियो की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे। मलय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स को लोगों तक पहुंचाने में आकाशवाणी की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, स्पोर्ट्स को, खेल को लोकप्रिय बनाने में आकाशवाणी ने जो भूमिका निभाई है वो तो किसी और संचार माध्यम ने ना निभाई है ना निभा सकता है। वो इसलिए क्योंकि 1936 में ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी के गठन होने के बाद से लेकर अब तक जो खेल दुनिया की झलकियां हैं और जो खेल दुनिया की जो मजबूत और कमजोर बातें हैं उन पर परिचर्चाएं तो होती ही रही हैं, उसके अलावा जो कमेंट्री के माध्यम से जन जन तक खेल को पहुंचाना और खासकर क्रिकेट जैसे खेल को जिसकी लोकप्रियता, हॉकी जैसे खेल को जिसकी लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी और पहले से ही बहुत अधिक रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ मलय, जो आकाशवाणी की जो भूमिका है वो काफी बड़ी रही है और अगर देखें तो आकाशवाणी ने न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का कवरेज किया है बल्कि स्थानीय स्तर की भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर होने वाले इवेंट्स को भी कवर करने में इसकी विशेष भूमिका रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, छोटे से लेकर बड़े मैच तक हर तरह की चीजें दिखाई गईं और हर तरह सुनाई गईं, हर तरह की कमेंट्री की गई, हर प्रकार के खेल से भारत के खेल प्रेमियों को अवगत कराया गया, खेल की भावना को भारत के नस नस में पिरोने में आकाशवाणी की भूमिका रही। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे तो दिल्ली के दो कॉलेजेस के बीच जब मुकाबले होते थे, हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफन्स कॉलेज का मैच होता था, उस मैच की रिपोर्टिंग भी आकाशवाणी पर सुनने को मिलती थी, कमेंट्री सुनने को मिलती थी। तो आप सोचिए कि किस स्तर तक, मतलब क्षेत्रीय स्तर, जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव होते हैं उसमें भी आकाशवाणी जिस प्रकार से हमारे देश के कोने कोने में, सुदूर स्थित इलाकों में, जहां जहां लोगों तक पहुंचने के कोई और माध्यम है ही नहीं, वहां रेडियो ने खेल को पहुंचाया, खेल प्रेमियों तक खबरें पहुंचाई, रिपोर्ट्स पहुंचाई, कमेंट्रीज पहुंचाई। मैंने देखा है एक ट्रांजिस्टर को थामे हुए लोग 70 के दशक में 100-100 लोग वहां जमा हो जाते थे, एक पान की दुकान पर रेडियो कमेंट्री चलती थी, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग। टेलीविजन तो बहुत बाद में आया सिद्धार्थ जी, रेडियो ने जो भूमिका निभाई है वो अविस्मरणीय है।
बिल्कुल, ये भूमिका अविस्मरणीय है और उस दौर की आपने बात बताई जब रेडियो पर कोई क्रिकेट का मैच होता था या हॉकी का मैच होता था और फैंस जो है वो बॉल बाई बॉल कमेंट्री का इंतजार करते थे, हर एक शॉट पे तालियां बजाते थे। वो दौर भी कुछ और था। और इसके साथ ही हमारे साथ इस समय जाने माने ब्रॉडकास्टर और स्पोर्ट्स कमेंटेटर मनीष जौली जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष, आप ये बताइए कि स्पोर्ट्स को लेकर आकाशवाणी की किस तरह की भूमिका रही है, और आपका आज वर्ल्ड रेडियो डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं आपको। देखिए, रेडियो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्पोर्ट्स में। वो सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो जब भारत को आजादी मिली उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1948 का जो ओलंपिक्स हुआ वहां पे एक नई रचना रची गई, हॉकी एक नए मोड़ पर चला गया, और उसके बाद जितने भी ओलंपिक्स हुए उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आकाशवाणी ही वहां पर पहुंचा। रेडियो के माध्यम से 1983 का जो वर्ल्ड कप था, मैं भूल नहीं सकता हूं कि बहुत लोगों ने, जब वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था उस दिन विविन रिचर्ड्स का जो कैच था बहुत से लोग लाइव नहीं देख पाए थे क्योंकि किसी कारणवश ट्रांसमिशन टूट गया था, और आकाशवाणी पर रेडियो का जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल चल रहा था। तो टेलीविजन का ट्रांसमिशन टूटा लेकिन रेडियो चलता रहा। मनीष, आप आकाशवाणी से नियमित रूप से श्रोताओं को स्पोर्ट्स और खास तौर पर क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनाते रहे। कोई ऐसा मैच या कोई ऐसा ओडीआई की हम बात करें या हम टेस्ट मैच की बात करें, आपके फैंस हर जगह हैं, आपका स्पोर्ट्स कमेंट्री को लेकर क्या अनुभव रहा है? अब सबसे बड़ी भूमिका रेडियो की ये रहती है मेरे हिसाब से कि एक वार्ता होती है कमेंटेटर की जो श्रोता है उनके साथ, ये जो इंटरेक्शन है ये आर्ट सिर्फ रेडियो में ही है। आप टेलीविजन में अगर आप देखेंगे तो इंसान कहता है पर वो किससे कह रहा है वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन रेडियो में कई बार भाव ऐसे निकल जाते हैं और एक अंदर ये भाव रहता है कि बहुत सारे हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं। और शायद वही एक वजह थी कि मैं भी कुछ नामी कमेंटेटर्स को सुन के उनको बार बार सुनने का मन करता था। हिंदी में सब लोग जानते हैं जसदेव सिंह जी कमेंट्री करते थे, लेकिन हॉकी में वो बहुत अच्छे कमेंटेटर थे। क्रिकेट की अगर बात करें, और बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि नरोत्तम पुरी जी ने भी रेडियो के लिए बहुत कमेंट्री की है, उनकी लैंग्वेज, और उनके जो बड़े भाई थे वो भी स्पोर्ट्स में कुछ कमेंट्री कर बैठे, तो नरोत्तम पुरी जी की जो डिक्शन थी, जो उनका फ्लो था, मैं उससे बहुत प्रभावित हो गया था। तो यही एक वजह रही कि मैं रेडियो पर आया, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे बहुत बड़ा दायित्व है रेडियो का, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आ गए हैं वहां सब ऑडियो का ही खेल है। अगर आप अच्छा नहीं बोल रहे हैं, अच्छे से नहीं समझा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छे काम भी जो है ना वो विफल हो जाएंगे। जी मनीष, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस बीच हमारे आकाशवाणी के स्पोर्ट्स कमेंटेटर शिवेंद्र चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आपको वर्ल्ड रेडियो डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्पोर्ट्स कमेंट्री को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और आज के दिन पर क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? सभी सुनने वालों को विश्व रेडियो दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जहां तक प्रसारण की बात है, खासतौर पर कमेंट्री की, मैं ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी का जो रोल रहा है सारी दुनिया में खेलों के प्रसारण में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और चाहे कोई भी आयोजन हो, एशियाई खेल हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, ओलंपिक खेल हो, या स्थानीय प्रतियोगिताएं हो, आकाशवाणी ने हमेशा से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम की भी बहुत अहम भूमिका है खेलों के प्रसारण को, उनसे संबंधित समाचार जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से लोगों तक पहुंचाने में। और एक बार फिर से मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहूंगा, विश्व रेडियो दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए, और मले अगर हम देखें तो आपका भी बहुत बड़ा, आपने ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी आप स्पोर्ट्स डेस्क के हेड रह चुके हैं, ग्लोबल हेड रह चुके हैं, और आपने तमाम चीजें कवर की है, लेकिन रेडियो से जो आपका लगाव है वो कुछ अलग किसका है, वो लगाव आप कभी छोड़ नहीं पाते, आपकी बातों में दिखता है। क्या कुछ मलय आपको याद आता है, और आप तो हमारे कमेंटेटर भी हैं, आज के दिन आप हमारे श्रोताओं से क्या कुछ अपनी अनुभूति साझा करना चाहेंगे? देखिए, रेडियो से ज्यादा जीवंत संचार माध्यम कोई खेलों के प्रसारण के लिए हो ही नहीं सकता।
और खेलों की कमेंट्री का तो ये आलम रहा है सिद्धार्थ जी कि हमारे जन्म के पहले से ही और जैसा मैंने कहा आजादी के बाद पंडित नेहरू जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, राम मनोहर लोहिया की कहानी है कि वो पान की दुकान पे जाकर कमेंट्री में रन कितने बने और नहीं बने वो याद कर, आज भी बहुत सारे लोग 1976 के उस रन चेस को याद करते हैं जब डिकी रत्नाकर और सुशील दोषी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में हो चल रहे मुकाबले की कमेंट्री कर रहे थे और भारत को जीतना था और रन चेस जो हिस्टोरिक रन चेस ऐतिहासिक रन चेस हुआ उसकी बात कर रहे हैं कि ब्रजेश पटेल ने कैसे समाप्त किया खेल को और सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस तरह से शुरू किया था वो भी मुझे याद है। एक और कमेंट्री जिसमें कि एक बार फिर सुशील दोषी ही थे और उन्होंने कहा जिसके 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 हृदय की घटी में कोई बाधा आ रही हो जो बीमार जो बीमार हो जिसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो वो अपना रेडियो सेट ऑफ कर दे। तो वो जो रोमांच रेडियो के माध्यम से होता है, वो जो आपको सजीव चित्रण मिलता है, जो ऐसा लगता है कि आप वहीं मौजूद हैं, आप रेडियो से सुनाई जा रही कमेंट्री में ठीक उसी प्रकार से हिस्सा ले रहे हैं जैसे दर्शक वहां बैठ कर देखता हुआ हिस्सा ले रहा है। और ये बात नहीं है कि टेलीविजन के आने के बाद रेडियो की कोई कमी, रेडियो की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी हुई हो, क्योंकि रेडियो की जो आउटरीच है जितने बड़े भूभाग को रेडियो कवर करता है टेलीविजन नहीं करता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैंने देखा है लोगों को, मैंने अपने अपनी नजरों से देखा है, खिलाड़ियों को देखा है कि वो टेलीविजन में साउंड ऑफ कर देते हैं और रेडियो की कमेंट्री ऑन रखते हैं, क्योंकि रेडियो की कमेंट्री जो आंखों देख हाल रेडियो पर सुनाया जाता है। मैं तो एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए जाता हूं जब बड़े मैच होते हैं तो आपके श्रोता जानते हैं, और जब आंखों देख हाल सुनाने वाले जो लोग होते हैं वो जिस भावना का संचार आप में करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि आपको लगता है कि आप भी उस खेल का एक हिस्सा बनकर खेल को देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रेडियो की। छोटे से छोटे आदमी को देखिए आप, मैं देखता हूँ लोगों को सड़क पे जा रहे हैं छोटा सा ट्रांजिस्टर कान में लगाए हुए चले जा रहे होते थे। 1972 में एशियाई वो एक यहाँ मेला लगा प्रगति मैदान में दिल्ली में जो बाद में प्रगति मैदान बना, तो एशिया 72 के नाम से एक छोटा सा ट्रांजिस्टर आया जो इतना लोकप्रिय हुआ घर घर में पहुंच गया। वो सिर्फ कमेंट्री सुनने के काम आता था, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था दूसरे काम के लिए। मैं देखा घरों में लड़ाइयां हो जाती थी कि नहीं साहब कमेंट्री चल रही है इस समय, कुछ और नहीं कोई सुनेगा, कमेंट्री सुननी है। तो ये जो भूमिका रेडियो की रही है, और विश्व रेडियो दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहता हूं अपने सभी श्रोताओं को उद्घोषकों को कि रेडियो जैसा बिल्कुल बढ़िया और बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही शक्तिशाली संचार माध्यम न कोई था न कोई है और शायद न कोई होगा। बिल्कुल मलय, आपका जो ये संदेश है कहीं ना कहीं हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं आपको और हमारे जो खेल प्रेमी हैं खासतौर पर वो श्रोता जरूर इस बात से इंस्पायर हुए होंगे, और जो रेडियो की जो हम ये कह सकते हैं विश्वसनीयता है वो कायम रहेगी और हमेशा और हमेशा। हम और आप तो शायद दुनिया में ना रहें लेकिन ये रेडियो हमेशा दुनिया में रहेगा। और श्रोताओं अब नजर डाल लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के पुरुषों के जायंट स्लैलोम प्रतियोगिता में भारत के स्कीइंग खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान 45वें स्थान पर रहे। उन्होंने इस प्रतियोगिता में दोनों रेसों में 2:47.24 का संयुक्त समय लिया। पहली रेस में वो 53वें स्थान पर रहे थे। जम्मू कश्मीर के आरिफ इन खेलों में भाग ले रहे एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। अल्पाइन स्कीइंग शीतकालीन ओलंपिक की महत्वपूर्ण स्पर्धाओं में से एक है। इसमें खिलाड़ियों को बर्फ से ढके पहाड़ों की ढलान पर तेजी से स्कीइंग करनी होती है, और आरिफ ने इस आशा व्यक्त की है कि इन ओलंपिक में उनके भाग लेने से देश में और युवा भी शीतकालीन खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे देश में शीतकालीन खेलों को विकसित करने और लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिलेगी। मलय, आप इस प्रतियोगिता के बारे में क्या कुछ कहेंगे और आरिफ खान का जो प्रदर्शन है इस पर क्या कहेंगे?
देखिए बहुत ही विषम परिस्थितियों में, इतनी बर्फबारी हो रही थी और बहुत मुश्किल हो रहा था उनको अपने आप को संभाले रखना। इतना बढ़िया जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया और सेकेंड राउंड में भी बहुत अच्छा, सेकेंड राउंड में बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि खराब मौसम के कारण बड़ी दिक्कतें थी और अभी तक किसी भारतीय द्वारा ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। क्योंकि देखिए जो जैसे ही ये शुरू हुआ रेस वन, जैसे ही और आगे बढ़ा वैसे ही बहुत ही जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई, रुक रुक कर होती रही और सेकेंड रन जो था वो खराब मौसम के कारण थोड़ी तक रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद स्थितियां बेहतर हुई। लेकिन हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा भारत का, लेकिन अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन विंटर ओलंपिक्स में यही माना जाएगा, यही है। क्योंकि इससे पहले जो पोलैंड में जन्मे जेरेमी बुजाकोवस्की थे, भारत के पहले विंटर ओलंपियन, उनका 65वां रैंक था ग्रेनोबल में 1968 में, और उसके बाद ये जो रैंक इनको 45th मिला है 45वां, इन्होंने खुद ही कहा है कि ये हमारा एक सपना था विंटर ओलंपिक्स में आने का और वो सपना मेरा पूरा हुआ, पहली बार है और ये बहुत मायने रखता है मेरे लिए। क्योंकि उन्होंने अपने देशवासियों के नाम संदेश में कहा है कि हमें लगता है कि वो हमें देखकर आने वाले समय में विंटर ओलंपिक्स में और भी बड़े खुलकर हिस्सा लेंगे और हाथ बटाएंगे। और इस बीच पिछले शीतकालीन ओलंपिक में लीग स्पर्धा में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी शिवा केशवन को विश्व ओलंपियन एसोसिएशन के ओलंपिक्स फॉर लाइफ पेचिंग 2022 हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन का बेंगलुरु में आज दूसरा दिन है। बोली लगा रही 10 फ्रेंचाइजों ने अब तक 122 खिलाड़ियों को खरीदा है। दूसरे दिन इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन 10 से ज्यादा करोड़ में बिकने वाले पहले खिलाड़ी बने। उनको खरीदने के लिए पंजाब और हैदराबाद के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। और अगर हम इस पूरे ऑक्शन को देखते हैं तो इस बार ऑक्शन की प्रक्रिया में मले थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए इस बार जो दो नई टीमें शामिल की गई हैं, गुजरात की और लखनऊ की, इसके बाद 10 टीमें हो गई हैं और ये नियम में परिवर्तन किए गए। हर टीम 4 से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर सकती थी, तो लोगों को खिलाड़ी अपने रिलीज करने पड़े, जो टीम के बीच एक बॉन्डिंग हो जाती है उस पर इसका असर पड़ा। तो कुछ अच्छे खिलाड़ी जो थे उनके बीच काफी जद्दोजहद हुई, टीमों के बीच खूब बोलियां लगी। 13.5 करोड़ में लिविंगस्टन गए, 14 में दीपक चाहर गए और ईशान जो सबसे ज्यादा 15.5 करोड़ में जिनको मिले हैं। तो इस तरह से देखिए इस आईपीएल में अब की जो ये नीलामी हुई है ये, और पिछले 2 सालों में ये देखने को मिला है कि जो खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है, खासकर नीलामी के पहले हुए मुकाबलों में जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके लिए नीलामी में अधिक बोली लगती है। और अगर आप मतलब परंपरागत तौर पर बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हो, कितना बड़ा नाम आपका भला क्यों ना हो, लेकिन आप पर बोली नहीं लगाई। मले आपकी छोटी टिप्पणी चाहते हैं। आईपीएल में इस बार 10 टीमें हैं, कोई भी टीम 4 से ज्यादा खिलाड़ी रिटेन नहीं कर सकती है, तो इस बार किस तरह के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं? बहुत देखिए हर टीम चाहती है कि एक अच्छा कप्तान हो, एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज हो, इसलिए विकेट कीपर में आपने देखा ईशान किशन पे बहुत ज्यादा बोली लगाई गई है। सारे विकेट कीपर हॉट डिमांड में हैं, बहुत उनकी मांग बहुत बढ़ी हुई है। ऑलराउंडर्स की मांग बहुत रहती है, ऑलराउंडर जितने टीम में होते हैं लिविंगस्टन ऑफ स्पिन भी डाल लेते हैं, उनमें ये बहुत बड़ी खूबी है, इसलिए उनको रखा गया और तेज गति से रन बनाते हैं, तो इस तरह से उनको रखा गया है। मगर जो बात मैं ये भी कह रहा था कि बड़े बड़े नाम रह गए, स्टीव स्मिथ रह गए, सुरेश रैना रह गए, बड़े बड़े नाम रह गए। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो आईपीएल जो है अपने आप में एक इंटरटेनमेंट टूर्नामेंट के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इससे कई नए खिलाड़ियों को मौका भी मिलता है। और श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय आज इस खास दिन आप हमसे जुड़े, आपने अपने अनुभव को साझा किया, खेल खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि।